रणजी के रण से निखर कर रांची का राजकुमार टीम इंडिया में अपनी दस्तक दे चुका था, लेकिन उसकी काबिलियत का परिचय अभी भी बाकी था। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने के बाद वो शख्स पूरी तरह से फ्लॉप रहा। शुरुआती चार मैच हाईजेस्ट 12 रन के साथ वो इंसान सिर्फ 22 रन बना पाता है। ऐसे में दुनिया के सामने एक सवाल था, क्या वो अगली सीरीज खेल पाएगा? बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद क्या उसे अगली सीरीज में मौका मिलेगा? लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, उसे एक और मौका मिला और उसके वतन को एक नया कप्तान। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज में उसे एक और मौका मिला और यही अगले 6 मैच तय करने वाले थे उसके साथ उसके वतन उसके भारत का भविष्य। सीरीज में टीम इंडिया पाक के खिलाफ अपना पहला मैच जीत चुकी थी, लेकिन उसके बल्ले से मैच 3 रन आए। अब उसे विश्वास हो चुका था कि अगला मैच उसके लिए नहीं है, अगले मैच में उसे मौका नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी द राइज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। सीरीज का अगला मैच 5 अप्रैल को विशाखापट्टनम के मैदान पर था। अवंतता उसे भी विश्वास हो चुका था कि इस परफॉर्मेंस के आधार पर अगला मैच उसके लिए नहीं होगा, परंतु कुदरत का निजाम देखो, वो अगला मैच भी खेलता है और इतिहास के साथ भी खेलता है। दरअसल पहला मैच जीतने के बाद कप्तान सौरव गांगुली अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में खाता नहीं खोल पाते हैं। ऐसे हालात में गांगुली की एक कुर्बानी विश्व क्रिकेट को एक नया नाम दे गई। मैच से पहले नंबर 3 के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए दादा ने डिसाइड किया कि 5 अप्रैल को महेंद्र सिंह धोनी को उनकी जगह नंबर 3 पर मौका दिया जाएगा। टॉस होने के बाद जब सौरव वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम बैटिंग नंबर 3। नहीं, ऑब्वियसली वो एक दिवसीय क्रिकेट में खेलेगा, 3 नंबर खेलेगा कि ओपन करेगा कि 7 नंबर खेलेगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर गांगुली और इंजमामुल हक एक दूसरे के आमने सामने थे। पाक इस मैच को हर हालात में जीत करके सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाना चाहता था, परंतु गांगुली के मंसूबे साफ थे। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इंडिया वंस अगेन हैव वन द टॉस एंड गांगुली हैज डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत कर रहे थे द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र। दोनों बल्लेबाजों ने महज 3 ओवर में 26 रन जोड़ डाले, परंतु यूसुफ के एक थ्रो ने भगवान के पारी का अंत कर दिया। क्रिकेट का भगवान अब रन आउट हो चुका था और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऐसे में इस बड़े झटके के साथ एंट्री होती है एक लंबे लंबे बालों वाले लड़के की, जिसके हाथ में बल्ला था, बदन में टीम इंडिया की जर्सी। उसके एंट्री से मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि आज इतिहास स्वयं ऐतिहासिक होने वाला है। A thunderball too hot for Pakistan to handle. A name India believes in. A talent Team India trusts in. Mahendra Singh Dhoni. उसके जहन में अभी भी वो आंकड़े दौड़ रहे थे जो उस मैच से पहले के थे। अब उसे भी एहसास हो चुका था कि उसके पास ये आखिरी मौका है। जिस उम्मीद के साथ सौरव ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी जगह पर बल्लेबाजी के लिए उतारा था, दादा के इस फैसले से कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ हैरान थे। लेकिन दादा तो दादा है और दादा को विश्वास था उस लड़के पर, और इसी विश्वास के साथ प्रारंभ होती है महेंद्र सिंह धोनी की महागाथा। धोनी और सहवाग ने मिल करके अगली 34 गेंदों में 55 रन जोड़ डाले। पावर प्ले अभी भी खत्म नहीं हुआ था, टीम इंडिया 9 ओवर में 80 रन बना चुकी थी। वीरेंद्र का विस्फोट अभी भी जारी था, धोनी अपने अंदाज में खेल रहे थे। लेकिन थोड़ी समय बाद पारी को लीड कर रहे विस्फोटक वीरेंद्र नावेद के बॉल पर आउट हो जाते हैं। सहवाग ने मैच 40 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके इस पारी में 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विस्फोटक वीरेंद्र के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया का कप्तान स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आता है। गांगुली और धोनी के बीच 33 गेंदों में 18 रनों की साझेदारी होती है और एक बार फिर से दादा सामी की बॉल पर चारों खाने चित हो गए। टीम इंडिया अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। अब मैदान में धोनी का साथ देने राहुल द्रविड़ आते। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। द्रविड़ और धोनी ने मिल करके एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। धोनी एक छोर से पारी को संभाल रहे थे तो द्रविड़ अपनी पारी को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। 20वें ओवर में माही के करियर का पहला अर्धशतक आया। पारी के 26वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अरशद खान पर प्रहार करना प्रारंभ किया और अरशद खान के उस ओवर पर 14 रन कूट दिए। पारी के 30 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया अब 211 रन बना चुकी थी। टीम इंडिया का युवा महेंद्र सिंह धोनी 90 के स्कोर पर नाबाद था और नॉन स्ट्राइक एंड से राहुल द्रविड़ भी
महेंद्र सिंह धोनी का शानदार साथ निभा रहे थे। पारी के 32वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने शाहिद अफरीदी की पहली बॉल पर यह चौका लगाकर अपने स्कोर को 99 के पास पहुंचा दिया। But he's just one run away from his maiden international 100. दूसरी बॉल पर इसे एक रन के साथ महेंद्र सिंह धोनी के करियर का पहला शतक आता। There comes the 100 to plot the first one for Mahendra Singh Dhoni. ये शतक, ये 100 उस खिलाड़ी के करियर के लिए संजीवनी था। ये शतक, ये 100 विश्व क्रिकेट को एक नया आयाम देने वाला था। हजारों लोगों के बीच लहराता हुआ ये बल्ला विश्व क्रिकेट को एक नया नाम देने वाला था, एक ऐसा नाम देने वाला था जो क्रिकेट के साथ साथ सदियों तक अमर होने वाला था। महेंद्र सिंह धोनी का ये 100 महेंद्र सिंह धोनी का आत्मविश्वास बन चुका था और इस आत्मविश्वास के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने पाक गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। टीम इंडिया अब एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। राहुल द्रविड़ भी एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे महेंद्र सिंह धोनी ने 40वें ओवर पर शाहिद अफरीदी को 18 रन कूट दिए। पारी के 40 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 280 रन थे। अभी भी 10 ओवर का गेम बाकी था, परंतु अगले ओवर में महेंद्र सिंह धोनी मोहम्मद हफीज का शिकार बन जाते। महेंद्र सिंह धोनी के इस पारी का अंत हो चुका था। 148 रन बनाकर वो युवा प्लेयर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। इस पारी के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने 123 गेंदों का सामना किया और अपनी इस पारी में 15 चौके और 4 छक्के लगाए। अगले 3 ओवर में टीम इंडिया ने बैक टू बैक अपने 2 बड़े विकेट खो दिए। निचले क्रम के बल्लेबाजों की मदद से टीम इंडिया 9 विकेट पर 356 रन बना पाती है। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पहले मैच में हार के बाद पाक किसी भी हालात में ये मैच नहीं हारना चाहता था। ऐसे में पाक के इरादे अब साफ थे। पाक को अगले 300 गेंदों में 357 रन बनाने थे। ऐसे में पाक की पारी की शुरुआत कर रहे थे सलमान भट्ट और शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी एक ऐसा नाम जो चल गया तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ऐसे हालात में पाक की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। पाक के विस्फोटक ओपनर शाहिद अफरीदी दूसरे ओवर में नेहरा के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान के खाते में मैच 14 रन थे और पाकिस्तान अपना सबसे विस्फोटक बल्लेबाज खो चुका था, लेकिन सलमान भट्ट और अब्दुल रजाक ने पाक की पारी को संभालने का प्रयास किया और पावर प्ले खत्म होते होते दोनों बल्लेबाजों ने 71 रन जोड़ डाले। पाक अभी भी जीत से बहुत दूर था, परंतु जिस अंदाज में पाक के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे उससे ये लक्ष्य उनके लिए नामुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसे में दादा ने नेहरा को एक बार फिर से बॉल थमाई और नेहरा ने सलमान को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से अब्दुल रजाक अभी भी पाक की उम्मीदों को थामे हुए थे। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक की टीम 134 रन बनाकर अपने 3 विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट पाकिस्तान से बहुत दूर तो नहीं था, परंतु लगातार विकेटों का पतन होना पाक का सिरदर्द बन चुका था। 28वें ओवर में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी गेम में आते और उन्होंने युवराज सिंह की बॉल पर अब्दुल रजाक को स्टंपिंग कर पाक की उम्मीदों में पानी फेर दिया। एक बेहतरीन पारी खेल रहे अब्दुल रजाक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों आउट हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी के इस कारनामे के साथ टीम इंडिया की एक समस्या का समाधान हो चुका था। टीम इंडिया को एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका था जो बैट पकड़े तो बैट से और बॉल पकड़े तो विकेट के पीछे से मैच पलटने की ताकत रखता था। एक तरफ रिक्वायर्ड रन रेट बहुत तीव्र गति से ऊपर जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विकेट लगातार गिर रहे थे। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाकिस्तान के खाते में 266 रन पर 7 विकेट थे। पाकिस्तान अभी भी इस जीत से 91 रन पीछे थी। 41वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी का शिकार बनते हैं नावेद उल हसन। यहां से पाक की हार लगभग तय हो चुकी थी, तभी हरभजन सिंह और जहीर खान ने बचे हुए पाक के दोनों बल्लेबाजों को अपना शिकार बना लिया और पूरी पाक की टीम मैच 298 रनों पर ऑल आउट हो जाती। टीम इंडिया ये मैच 58 रनों से जीत चुकी थी। ये रहा पाक के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। और इस मैच में जीत के हीरो रहे विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 123 गेंदों में 148 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। टीम इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों को ये यकीन हो चुका था कि टीम इंडिया को एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका है जो विकेट के पीछे से भी मैच पलट देने की ताकत रखता है। और यहीं से प्रारंभ होता है द राइज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरीज, ये कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी है तो आइए हम मिल करके बात करते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।